नमस्ते, मैं पुष्पा, पुष्पा इम्पॉसिबल से इस समय आपसे बात कर रही हूँ टेली खजाना के माध्यम से। जैसे कि ऑडियंस अगर फॉलो करे तो वो जानती है कि पुष्पा को 5 पटोड़े का ऑर्डर मिला है, तो उसके लिए वो गई है धागे ढूंढने के लिए। तो किसी ने बोला कि इस दुकान में मिलेंगे, तो वहाँ जाती है, लेकिन इत्तेफाकन वहाँ वो सोनल से टकरा जाती है। तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती है पुष्पा, उसके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, कॉलेज जाना है, पटोड़े बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। तो वो समझाती है कि इतना मत कीजिए, आप एक जगह ध्यान दीजिए वरना आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। सो बेसिकली इट्स जस्ट व्हाट यू से, एक सीख मिलती है मुझे इस सीन से। जी जी, मुसीबत में तो देखिए क्या है, अभी इसकी जर्नी आज से मुसीबत वाली नहीं है, बचपन से ही है, जब से इसके बापूजी की डेथ हो गई थी। 9 साल से इसका जीवन ऐसा उथल पुथल है, तो अब तो आदत भी हो गई है मुसीबतों को झेलने की। और क्या कहते हैं ना कि अभी एक साथ चलते हैं, उसका सुख दुख साथ में चलता है, तो वो दुख को कभी हावी नहीं होने देती खुद ही, उसका अभी वो स्वभाव बन गया है, हमेशा सुख को ऊपर रखती है, इन्जॉय करती है लाइफ। तो आई थिंक शी विल मैनेज, कर लेगी। बहुत 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 जी, ऐसा तो ये तो है ही। और हम तो एक साल से बात कह रहे हैं कि हम बहुत कम समय में, आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इतनी अच्छी रेटिंग्स दी हैं, इतना अच्छा आप हमारे शो के लिए मतलब बहुत रिस्पॉन्सिव हैं आप लोग। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना प्यार दिया हमें। और बस हम यही कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा कॉन्टेंट आपके सामने लाएँ, और जिस तरह से हम शुरू किए, जिस तरह से हमने शुरू किया था, हम वैसा ही कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा हमारा आपसे वादा है। थैंक यू। तुम्हें आई है, ये घर की सजावट के लिए कुछ सामान देखने आई थी। आ देवी, सजावट का सामान लेने आई थी, लेकिन घर के लिए नहीं, पटोड़े के लिए। वो स्पेशल धागे यूज होते हैं ना पटोड़े में, किसी ने बोला यहाँ मिलेंगे तो यहाँ आएंगे। अच्छा, ये एक सेकेंड, सॉरी। जय मैं सविता भाई, नहीं नहीं उनकी का कहाँ सीजन है अभी। मैं काम करती हूँ, वो ग्रीन वेजिटेबल बनाती हूँ पात्रा डाल के, चल से। हाँ फिर अपने एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मैं डिटेल भेजती हूँ। जय हो। कौन हो जाओ? एक कुछ मिनट सुनो। हाँ कांता बहन, अरे निकल गया अभी अभी, पहुंच जाएगा टिफिन, चिंता मत करो आप। जय हो। वो जो सॉरी सुनो, हाँ जोसमैन बोलिए, जोसमैन जोसमैन प्लीज सुनिए, आपका जो ऑर्डर है वो मुझे इस नंबर पे भेजिए ना। कितने बजे चाहिए वो और क्या क्या चाहिए वो? अरे हाँ हाँ मिल जाएगा, जय श्री कृष्ण। क्या करूँ मैं बहन जी, आपके ये धागे रह गए हैं, एक बार देख लीजिए। टिफिन के चक्कर में भूल गई कि धागे लेने आई थी। क्या करूँ मैं बहन जी, आपके ये धागे रह गए हैं, एक बार देख लीजिए। टिफिन के चक्कर में भूल गई कि धागे लेने आई थी।